महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य में आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और रमेश चेनीथला ने मुंबई में एक बैठक की, जिसमें तमाम मुद्दों पर फैसला लिया गया है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता महायुति गठबंधन के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोलेंगे। साथ ही फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र कांग्रेस ग्रामीण संकट, किसान के मुद्दे, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर आक्रामक तरीके से सवाल उठाएगी। साथ ही इन्हीं मुद्दों को लेकर वह जनता के सामने भी जाएगी। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में अन्य राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही आक्रामक मोड में चुनावी प्रचार करने की भी रणनीति तैयार की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वह राज्य में लोकसभा चुनाव की ही तरह प्रदर्शन को दोहराने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इशू है कि महाराष्ट्र में अपने आप को बनी करने का काम महाराष्ट्र की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने किया है, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र के औद्योगिक व्यवस्था को खत्म करकर गुजरात में ले जाने का काम ये सरकार ने किया। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को कर्ज में डुबाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया। आज 9 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र के ऊपर लगा के रखा है। उस पैसे का यूटिलाइजेशन आपने देखा होगा, तो क्या ये जो रिपोर्ट में कहा है कि आपने 50,000 करोड़ रुपया महामंडल को दिया है, कौन से समाज को कैसे आपने उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो उसका जवाब सरकार के पास हम लोगों के पास जाएंगे। हम पूछेंगे कि भाई उनको 50,000 करोड़ रुपए का कुछ मिला क्या, तो जनता खुद बोलेगी ना कि नहीं। आज पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी 70,000 करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र की जनता पर बिठाने का काम ये भाजपा और 70,000 रुपया का कर्जा ये महाराष्ट्र के बीजेपी प्रणीत एकनाथ शिंदे की सरकार ने किया है। महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में और गुजरात से ड्रग्स मुद्रा बोर्ड के माध्यम से महाराष्ट्र में लाके महाराष्ट्र की बच्चों को बर्बाद करने का काम की सरकार ने सुनियोजित पद्धति से किया है, तो इनकी वास्तविकता समाज के सामने रखना और महाराष्ट्र का स्वाभिमान बचाना यह हमारा दायित्व है। आज की मीटिंग में वो संकल्प हमने लिया है और उसके आधार पर हम महाराष्ट्र की जनता में जाएंगे। देश का संविधान और महाराष्ट्र का स्वाभिमान स्लोगन लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। दूसरा इश्यू है कि सीट शेयरिंग के बारे में आपने पूछा। सीट शेयरिंग में हम लोगों ने अभी कोई हमारी बात हुई नहीं, हम लोग बैठेंगे जल्दी ही, उस पर चर्चा होगी। आज हमारी 8 बजे कोर कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल ही हमारे जो हमारे अलायंस लीडर्स है उनसे भी बात करेंगे,